तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या सिमिलरिटी है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में अप्लाई कर सकते थे, वो सारे रोटेशनल मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लेकिन नई क्वांटिटीज जो है वो रोटेशनल मोशन में आती है, तो वो हम लोग सबसे पहले नई क्वांटिटी सीख रहे हैं, जिसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, और अब हम जो सीखने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में। तो जो टॉर्क है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ ऑफ ए फोर्स टू प्रोड्यूस द चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो टॉर्क जो है, जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटी पढ़ा था फोर्स, फोर्स क्या था? मेन कॉज था जो कि ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज प्रोड्यूस करता था। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो कॉज है वो होता है टॉर्क, ये रोटेशनल मोशन में चेंज प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, है ना। सपोज ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस से जुड़ा हुआ है एक रॉड। सपोज ये अपना रॉड है ना। अच्छा, ये जो रॉड है इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है कुछ इस तरह से। ये फोर्स मान लेते हैं एफ है। इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसको हम लोग मान लेते हैं पी। ठीक, अच्छा, अब ये जो रॉड है ये किसी हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर रहा होगा, इसका एक्सिस जो है वो तो यहाँ पर है, लेकिन ये खुद जो रॉड है ये हॉरिजेंटल प्लेन में इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है आर, है ना। यहां से एक्सिस से आर डिस्टेंस पर सपोज ये है पॉइंट पी, है ना। तो इस एक्सिस से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हो गया आर, है ना। तो जो टॉर्क होता है उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखा जाएगा आर एफ साइन थीटा, वेयर वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एफ इज
फोर्स अप्लाइड अच्छा थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। ठीक है, तो यहां पर अगर हम जानना चाहें कि थीटा क्या है तो ओरिजिन हम लोग एक्सिस को मानेंगे और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर, है ना, ये एक पोजीशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन एक्सिस से पॉइंट पी की तरह होगा। ये जो है हम ये कह सकते हैं कि ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है। तो एफ और आर के बीच का एंगल हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पर इस डायरेक्शन में जो है इस डायरेक्शन में अपना फोर्स लग रहा है एफ, और जो आर है वो बिल्कुल ऐसे है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये है थीटा, है ना। तो ये हो गया एफ वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला हमने अभी देखा, इस फॉर्मूले को और कई तरीके से लिखा जा सकता है, है ना। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमने रॉड बनाया था, ये जो हमने रॉड बनाया था, इस रॉड का टॉप व्यू देखते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये रॉड जो है बिल्कुल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा उसका मोशन। उसका जो पॉइंट पी है, जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पॉइंट पी, उसका मोशन बिल्कुल सर्किल जैसा दिखेगा, है ना, कुछ इस तरह से। अब यहां पर कह सकते हैं कि ये जो है एक्सिस है बीच में, ये एक्सिस वर्टिकल है और ये जो मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, रॉड को वापस यहां पर बनाते हैं। ये रॉड हो गया, अच्छा, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम लोग फिर से ऐसे दिखा देते हैं। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लग रहा है। ठीक है, जो फोर्स है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। फोर्स एफ इज इज या कह सकते हैं फोर्स एफ लाई इन प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड। तो रॉड जिस प्लेन में रोटेट कर रहा होगा उसी प्लेन में ये फोर्स लग रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पी, और ये अपना एक्सिस है ओ। ठीक है, इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो पॉइंट था अपना ओ था और ये पॉइंट पी है, तो ओ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है ये है आर, है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स को रिजोल्व करें, ये अपना आर का डायरेक्शन हो गया, ये है ना, ये आर का डायरेक्शन हो गया, अच्छा, जिसमें से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर और एक आएगा रेडियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा, और रेडियल डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है,
तो जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। और आर क्या है, अगर फिगर में देखें तो पॉइंट ओ और पी यानी एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का डिस्टेंस है ना। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये तो हो गया आर का वैल्यू, ठीक। इनटू हमें लिखना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, ठीक है। ये आ गया यहां पर। तो ये जो आर वेक्टर था अपना, ओपी जो लाइन था, इस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को इस डिस्टेंस आर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देने से ये अपना टॉर्क का वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक और तरीके से इस फॉर्मूले को देखा जा सकता है। इसको हम लोग फिर से जो है, हमने उस सर्किल को फिर से ड्रॉ किया है ना। ये जो रॉड सर्कुलर मोशन कर रहा था उसका जो टॉप व्यू बनाया था हमने यहाँ पर, ये टॉप व्यू बनाया था, तो फिर से टॉप व्यू ही बनाते हैं, है ना। वो बनाया हमने यहाँ पर, इसमें ये जो है पॉइंट ओ, ये एक्सिस है, और यहां से जो है ये रॉड हम लोग फिर से बना देते हैं, ये रॉड है, और यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पी। तो यहां से हमने एक फोर्स लगाया है, और ये फोर्स लगाया था एफ, है ना। ये है फोर्स एफ। तो ओ और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, ये लिया था हमने आर। ये डिस्टेंस आर था यहां से यहां तक, ठीक है। और इसमें से ये जो एंगल है, ये एंगल था थीटा आर और एफ के बीच का। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सिस है, एक्सिस से जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहां से हम लोग एक जो है एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर। इसमें ये जो ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो ग्रीन लाइन है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि इसी लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है एक्सिस से, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पी और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। तो ओ पी क्यू में हम लोग निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस ओ क्यू होगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। तो अभी जो हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है यहां पर, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को फिर से यहां पर रीअरेंज करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू
आरएफ साइन थीटा जो है उसको रीअरेंज करते हैं तो टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, ये हो गया फोर्स इंटू आर साइन थीटा को क्या कहेंगे, एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन के का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो हम टॉर्क निकालने के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। तो हमने कुल मिलाकर के अभी तीन तरह के फॉर्मूला सीखे। एक तो फॉर्मूला ये हो गया जो कि वेक्टर फॉर्म में है ना, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे वेक्टर वाले को, है ना। अच्छा, अगर आर मतलब आर का फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल दिया हो, जैसे कि हमने यहां फिगर बनाया है, ये जो फिगर बनाया हमने, इस फिगर जैसा अगर फोर्स और डिस्टेंस आर और एंगल थीटा पता हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ठीक। अच्छा, तीसरा तरीका ये है, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा उस फॉर्मूले को इस फिगर में हमने समझते हैं कि हमने क्या किया कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे आर और उसको, है ना, ये आर है उसको लेंगे और आर के परपेंडिकुलर जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे आर इंटू एफ साइन थीटा, है ना। तो ये हो गया आर, हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंटू एफ साइन थीटा, क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। चौथा फॉर्मूला जो है वो ये है, ये हमने लिखा फोर्स इंटू आर साइन थीटा, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आर साइन थीटा यानी कि एक्सिस और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। तो ये जो है इस फॉर्मूले से पता चलता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे ये पता चलता है कि जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन हम लोग एक तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ, इसका डायरेक्शन निकालने का जो तरीका होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये तरीके लगा करके हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन और एक सिंपल तरीका है जिसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके लिए हम समझेंगे कि कुछ एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका जो डायरेक्शन होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका मतलब कि प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर,
दीज वेक्टर्स हैव डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, है ना। तो ये वेक्टर कौन कौन से हैं? ये वेक्टर है, एक तो है थीटा, थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, और दूसरा वेक्टर है ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड वेक्टर है एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्थ वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और फोर्थ है अपना, फिफ्थ है टॉर्क। ये पांच वेक्टर जो होते हैं इनका डायरेक्शन प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर ये कहें कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इनका जो एक्सिस है वो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन सब का डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। अगर इसका साइड व्यू देखें मोशन का, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इनका एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये पांचों वेक्टर घूम रहे, ये जो है कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, तो ये पांचों वेक्टर का डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होता है, या तो ऊपर या नीचे। अगर इसमें देखें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड्स ऐसे होगा, ठीक है। तो इनमें से थीटा, ओमेगा, एल, इनका डायरेक्शन तो होता है कि इनका कह सकते हैं डायरेक्शन इज इनवर्ड इफ मोशन इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा हो इस तरह से, है ना, तो इस केस में जो डायरेक्शन होगा थीटा का या ओमेगा का या एंगुलर मोमेंटम का, वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ ऐसे दिखाते हैं, है ना। अच्छा, उसी तरह से ये इनका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड इफ मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कि अगर पार्टिकल जो है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, रोटेट कर रहा हो, तो इस केस में इसका डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड आएगा ऐसे, है ना। तो इसमें, इस केस में क्या है, एक्सिस के तरफ अंदर की तरफ पेपर के अंदर,
और इसमें जो है बाहर की तरफ, पेपर के बाहर, पेज के बाहर, इस तरह से डायरेक्शन होगा। अल्फा का डायरेक्शन निकालना हो तो इट हैज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। मतलब क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा का वैल्यू जो लिखते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय डेल्टा टी, है ना। तो ये डेल्टा ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा उसी की तरफ अल्फा का डायरेक्शन होता है, है ना। ओमेगा का चेंज इन ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा उधर ही इस अल्फा का डायरेक्शन आएगा, ठीक। और चूंकि ओमेगा का डायरेक्शन तो एक्सिस के लॉन्ग होता है तो उसका जो चेंज होगा चेंज भी एक्सिस के पैरेलल ही आना है। तो जिस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन समझा, वैसे ही हम समझेंगे टॉर्क का डायरेक्शन के बारे में, है ना। कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है, है ना। उस फिगर से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो ये कहा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी outward if object rotates in anti-clockwise direction due to applied force. And direction of torque will be inward if object rotates in clockwise direction due to applied force, ठीक है। तो इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमे, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक। उसी तरह से फोर्स लगाने से, फोर्स अप्लाई करने से अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हो तो उसका टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, है ना। ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब इसको हम लोग समझते हैं यहां पर एक फिगर से। तो फिगर में हमने एक रॉड लिया हुआ है जो कि उसका अपर एंड हिंज किया हुआ है, आप देखेंगे ये जो रेड डॉट दिख रहा है, ये रेड डॉट जो है
ये हिंज दिखा रहा है, ऐसा समझते हैं कि यहां पर एक कील ठोका हुआ है। कील ठोकने से क्या होगा कि जो रॉड है वो उस कील के अबाउट रोटेट कर सकता है ना, ऐसे रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साथ में क्लॉकवाइज भी ऐसे रोटेट कर सकता है। लेकिन ये रॉड जो है ऊपर नीचे नहीं जा सकता, आगे पीछे नहीं जा सकता, राइट लेफ्ट नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि वहां पर हिंज किया हुआ है। ठीक, और रॉड पर दो फोर्स लगाए हमने, एक तो फोर्स लगा है F1 जो कि हिंज से L डिस्टेंस नीचे लग रहा है, और दूसरा फोर्स हमने लगाया है F2 वो हिंज से L डिस्टेंस नीचे लग रहा है। ठीक, तो अगर इनका टॉर्क निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डायरेक्शन निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड पता करेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले F1 का टॉर्क देखेंगे। जब F1 के टॉर्क का डायरेक्शन देखना हो, है ना, जब F1 के टॉर्क का डायरेक्शन देखना हो तो हम मान लेते हैं कि F2 फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ F1 फोर्स लग रहा है। तो सिर्फ F1 फोर्स अगर लग रहा हो तो रॉड जो है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो हम देख सकते हैं कि जो रॉड पर फोर्स F1 लग रहा है वो रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घुमाएगा, इस तरह से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो उसका टॉर्क हम लोग मानते हैं आउटवर्ड, जैसा कि यहां हमने पढ़ा है, और आउटवर्ड को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टॉर्क होगा, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, या कह सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स F1 इंटू, ये हिंज जो है इसके लिए एक्सिस काम करेगा, तो एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स का, है ना, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, तो F1 को L से मल्टीप्लाई करने पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब हम निकालेंगे टॉर्क F2 का। तो F2 का टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम लोग डायरेक्शन समझेंगे। तो डायरेक्शन कैसा होगा, थोड़े दिल के लिए F1 को भूल जाते हैं कि F1 नहीं लग रहा, तो F1 नहीं लग रहा, सिर्फ F2 फोर्स लगेगा तो रॉड को कैसे घुमाएगा, ये रॉड को इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा, तो क्लॉकवाइज को या टॉर्क का इनवर्ड डायरेक्शन को लोग निगेटिव मानते हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे निगेटिव माइनस, यानी ये टॉर्क जो है निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, फोर्स F2 इनटू फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका एक्सिस से यानी हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये L है, तो F2 इनटू L, है ना, तो ये जो है नेट टॉर्क हो गया F1 इंटू L माइनस F2 इंटू L। तो इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है वो यही रहेगा, है ना। डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम ये मानेंगे कि जो एक्सिस है वहां पर इस तरह से हिंज किया हुआ है, कील ठोका हुआ है, ठीक, और जिस फोर्स का टॉर्क निकालना हो मानेंगे कि सिर्फ वही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, उस फोर्स लगने से ये बॉडी जो है किधर रोटेट करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, इसी पर बेस्ट एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमने एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर में एक व्हील दिख रहा है ना, और व्हील के सर्कमफेरेंस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, जो पहला फोर्स है F1 और इसका मैग्नीट्यूड है
ये है फोर्स एफ वन, इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, जो रेडियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा दूसरा फोर्स है एफ टू, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और ये जो है बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरा फोर्स है एफ थ्री, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये भी है 20 न्यूटन। ठीक है, और ये रेडियल डायरेक्शन से 37 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो हमें जो है इस व्हील के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी, सॉरी एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑन व्हील अबाउट इट्स एक्सिल, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सारे फोर्सेज को रिजोल्व करेंगे, है ना। तो एफ वन को अगर रिजोल्व करें टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो एफ वन फोर्स है इसका कंपोनेंट इधर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आएगा ये होगा 20 sin 30 degree, है ना। इसका कंपोनेंट आएगा 20 sin 30 degree। अब इसका अगर टॉर्क निकालना हो इस एक्सिल के अबाउट, तो क्या करेंगे, इस फोर्स को ये जो रेडियस आर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसका जो टॉर्क आएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 20 sin 30 degree इंटू, इसका रेडियस दिया गया 20 centimeter, तो हम लोग लिखेंगे 20 divided by 100 meter में हो गया ये, हमने 20 centimeter को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो जैसा कि हमने ऊपर सीखा है, अभी इधर हमने सीखा कि जो हिंज है, मान लेते हैं कि यहां पर कील ठोका हुआ है और सारे फोर्स के ऑब्सेंस में एक ही फोर्स लग रहा है जिसका टॉर्क निकालना है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें देखेंगे कि हम F2 और F3 को भूल जाते हैं, सिर्फ F1 अगर इस व्हील पर लगेगा तो ये व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, है ना। तो इस टॉर्क के कारण से ये जो व्हील है ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए ये जो भी टॉर्क आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक, अब आते हैं F2 के कारण से टॉर्क में निकालने। तो F2 के कारण से जो टॉर्क आएगा, F2 तो पहले से ही R के रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड है 10 फोर्स का इनटू फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी R के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे 10 इनटू 20 divided by 100, इसको भी हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो F2 के कारण से टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग मानते हैं कि अभी F3 और F1 नहीं है, सिर्फ F2 है जिसका टॉर्क निकालना हो, सिर्फ उसके कारण से देखेंगे। तो F2 फोर्स के कारण से ये जो व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से रोटेट करेगा ये, इस फोर्स को लगाने से। ये ध्यान रखना है कि एक्सिस जो है, जो सेंटर है इसका, वहां पर हमने हिंज किया हुआ है, और F2 फोर्स लगाएंगे जैसा कि डायरेक्शन दिखाया गया और पॉइंट दिखाया गया है, तो
तो वहां पर फोर्स लगाने से व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए ये टॉर्क भी पॉजिटिव हुआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड और पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं थर्ड फोर्स जो है F3 को भी हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। पहले F3 का कंपोनेंट हम लोग अगर निकालें जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F3 का मैग्नीट्यूड है 20, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा 20 साइन 37 डिग्री, है ना। तो ये तो फोर्स का कंपोनेंट हो गया टेंजेंट के लॉन्ग, और एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस आर के इक्वल होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा जाएगा 20 साइन 37 डिग्री इंटू आर, और आर का वैल्यू है 20/100। ठीक, तो अब इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये। अब हम देखेंगे डायरेक्शन कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो थोड़ी देर के लिए F2 को और F1 को भूल जाएंगे, समझेंगे कि सिर्फ F3 लग रहा है। तो सेंटर पर समझे, जो सेंटर है व्हील का वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब कि हिंज्ड है। तो अगर हिंज किया हुआ यहां पर तो F3 फोर्स लगाएंगे जैसा कि दिखाया गया है। तो वहां लगाने से ये व्हील जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना। ये व्हील कुछ इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब टॉर्क जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, जिसको कि हम लोग निगेटिव मानते हैं। तो इस टॉर्क के आगे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, है ना, माइनस साइन, इसलिए क्योंकि टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज या इनवर्ट। तो इस तरह से ये टॉर्क आ गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 20 इंटू जो सबसे ऊपर वाला है इसका, इसका वैल्यू हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू 20/100 प्लस ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको लिखेंगे 10 इंटू 20/100 माइनस ये जो थर्ड टर्म है इसको लिखेंगे, तो ये आएगा 20 इंटू साइन 37 मतलब 3/5 इंटू 20/100। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, तो जो पहला टर्म है इसका वैल्यू आ जाएगा 2, जो दूसरा टर्म है ये आ जाएगा 2, और थर्ड टर्म आएगा 12/5। ठीक है, तो ये आ गया 12/5। तो इसको और आगे सिंपलीफाई करने पर आएगा 4 - 12/5, दैट मीन्स 8/5 इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन मीटर। ये हो गया। हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि नेट टॉर्क ऑन व्हील इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन आउटवर्ड डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 न्यूटन मीटर।
तो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें एक एनुलर डिस्क लिया गया है और एनुलर डिस्क का जो इनर रेडियस है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका एक्सिस जो है वो यहाँ पर है, या कहें इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है। तो इसका जो इनर रेडियस है ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो आउटर रेडियस है ये आउटर रेडियस दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, तो इस एनुलर डिस्क पर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं, जिसमें से पहला फोर्स है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 10√3 न्यूटन और ये रेडियल डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है, ठीक। और दूसरा फोर्स जो है वो है F2, है ना, दूसरा फोर्स है F2, ये फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन का और ये रेडियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है। थर्ड फोर्स है ये है F3 जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन का है और ये रेडियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है, ठीक। अच्छा, एक फोर्थ फोर्स है F4 जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन का है और ये एग्जैक्टली रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमें इन चारों फोर्सेज के कारण से इस एनुलर डिस्क पर टॉर्क निकालना है ना, तो वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑन एनुलर डिस्क ऑफ इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर, है ना, अबाउट टॉर्क अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है, ठीक। तो टॉर्क निकालने के लिए अगर इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सपोज ये है सी पर, तो हम लोग पॉइंट सी के अबाउट या एक्सिस सी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इनमें से F1 फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो F1 फोर्स जो है वो रेडियल डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है। हम क्या करेंगे कि इसको रिजोल्व करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, यूज जो है वो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट का ही होता है ना। तो इस F1 का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा 10√3 साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण से टॉर्क लगेगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट
टेन रूट थ्री साइन 60 डिग्री इंटू 20y 100। हमने क्या किया कि 20 सेंटीमीटर दिया गया था रेडियस, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब इसके टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जैसा हमने पहले सीखा है कि ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो इसका एक्सिस है वहाँ पर एक कील ठोका हुआ है, और सपोज कि व्हील जो है या जो एनुलर डिस्क है वो एक तरह से अटैच्ड है उस कील से, है ना। वो उस कील के अबाउट ये रोटेट तो कर सकता है लेकिन इधर उधर खिसक नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर यहाँ एक कील है या एक हिंज है तो हम बाकी सारे फोर्सेस को भूल जाएंगे, F2, F3 और F4 को भूल जाते हैं, देखते हैं कि सिर्फ F1 फोर्स लग रहा हो तो ये जो डिस्क है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर एक्सिस के पास हिंज हो और F1 डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो ये जो डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेगा, ये है ना, इस तरह से। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ आउटवर्ड, और इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यानी ये जो भी टॉर्क आया है इस टॉर्क का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड। अब आते हैं दूसरे फोर्स पर, जो फोर्स F2 है इसका भी हम लोग कॉम्पोनेंट एक निकालेंगे, है ना। ये जो कॉम्पोनेंट होगा इसका वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से आएगा, है ना। इस फोर्स का F2 का जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं 40 साइन 30 डिग्री, ठीक। तो इसके कारण से अगर टॉर्क निकालना हो तो ये टेंजेंशियल फोर्स और एक्सिस से पॉइंट ऑफ लोकेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये वाला इसका इनर रेडियस के इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस। तो हम लोग लिखेंगे जो फोर्स है वो है 40 साइन 30 इंटू जो रेडियल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसका वो है 10 डिवाइडेड बाय 100। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं इसके डायरेक्शन पर, तो ऐसे समझे कि सी पर अगर कील ठोका हुआ हो, हिंज किया हो और ये F2 फोर्स लगाया जाए तो F2 फोर्स इस डिस्क को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और इसलिए इस टॉर्क का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड हो गया, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो ये पॉजिटिव टॉर्क आएगा। अब आते हैं थर्ड वाले फोर्स पर, F3 पर। तो F3 का भी एक कंपोनेंट हम निकालेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 50 साइन 30 डिग्री, है ना, 50 साइन 30 डिग्री आ गया। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स का और एक्सिस से इस पॉइंट ऑफ लोकेशन का डिस्टेंस टोटल कितना होगा 20 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 50 साइन 30 डिग्री इंटू 20y 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया और फिर डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए फिर से हम लोग बाकी सारे फोर्सेस भूल जाएंगे और सिर्फ F3 के कारण से देखेंगे। F3 अगर ऐसे लगेगा
तो व्हील कैसे घूमेगा? व्हील जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इसलिए इस F3 फोर्स का जो टॉर्क है वो भी एंटी क्लॉकवाइज आया, यानी कि पॉजिटिव ए भी आया, है ना। अच्छा, उसके बाद अब आया फोर्थ वाला फोर्स, यानी कि F4। F4 जो है रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। रेडियल डायरेक्शन में क्या मतलब हुआ कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस से पास करेगा। जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास करे उसके लिए R का वैल्यू जीरो हो जाता है, है ना। तो उस केस में टॉर्क नहीं लगता, इस फोर्स का जो टॉर्क है उस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा जीरो, है ना। तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के जो टॉर्क आया उसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 10√3 इंटू इस साइन 30° का जो वैल्यू आएगा, साइन 30° का वैल्यू होगा √3/2 इंटू 20/100, ठीक। अच्छा, प्लस और जो दूसरा टर्म है ना, ये वाला टर्म, उसको लिखेंगे 40। ये साइन 30° का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 10/100। अच्छा, उसके बाद थर्ड टर्म है वो है 50 इंटू साइन 30° का वैल्यू फिर से 1/2 इंटू 20/100, ठीक। तो अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से 10 इंटू 3 इंटू 20/200 प्लस 40 × 1/2 इंटू 10/100 प्लस थर्ड टर्म हो गया 50 × 1/2 इंटू 20/100, ठीक है। तो इसमें से ये फाइनली पहला टर्म हो जाएगा 3, दूसरा टर्म 2 और तीसरा टर्म 5। तो कुल मिलाकर के आया प्लस 10 न्यूटन मीटर। ये कर सकते हैं नेट टॉर्क ऑन एनुलर डिस्क, नेट टॉर्क ऑन एनुलर डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज 10 Nm इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम इसमें ध्यान रखेंगे कि किसी भी फोर्स का टॉर्क कैसे निकालना है ना। टॉर्क निकालते टाइम में जो है हम लोग हर एक एक फोर्स का टॉर्क निकालेंगे और डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस साइन लगाएंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। तो एक एग्जांपल करेंगे। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी
एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट. ना तो जब पार्टिकल जो है जो प्रोजेक्टाइल है हाईएस्ट पॉइंट पर होगा अपनी ट्रैजेक्टरी का, तो उस इंस्टेंट पर हमें ग्रेविटी का या एमजी का टॉर्क निकालना है. तो इसके लिए हम फिगर बनाते हैं. तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और जो अपना प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, है ना, जिसमें से ये कहा गया कि प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा. ठीक, तो जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, है ना, जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा यहां पर, तो उस पर mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg. तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये कुछ ऐसे होगा, और हमें टॉर्क निकालना है इस ओरिजिन के अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट. तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस है उनके बीच का सेपरेशन होगा रेंज बाई टू. रेंज जो है इसमें हमने आर लिया हुआ है, है ना, तो इसका टॉर्क निकालेंगे. तो पहले क्या करेंगे, फोर्स एमजी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज गिवन बाय आर बाय टू. सो एमजी बाय टू एंड रेंज कैन बी रिटेन एज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. तो फाइनल आंसर इज इसमें से जी और जी कैंसिल हो गया, है ना, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा एम यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू. अच्छा, इस टॉर्क का अगर डायरेक्शन देखें तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वहां पर एक्सिस है, अगर एज्यूम कर लिया जाए कि ओरिजिन पर कील ठोका हुआ है, है ना, ओरिजिन के पास किसी पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को हिंज किया हुआ है, हम लोग पॉइंट ऑफ लोकेशन को ओरिजिन से मिला देते हैं. ठीक, अब इस पर अगर mg फोर्स लगाया जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसको कैसे रोटेट कराएगा, ये रोटेट कराएगा कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब हुआ इसका डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, और इनवर्ड जो है वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है ना. यहां पर ये x है, ऊपर y है, तो z जो होगा अपना आउटवर्ड आएगा, z इधर आएगा बाहर की तरफ,
जबकि जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो इनवर्ड आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब कि इनवर्ड, और इनवर्ड मतलब कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो यहां पर जब टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे तो एम यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू माइनस के कैप। तो इस तरह से टॉर्क जो है वेक्टर फॉर्म में ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक, अच्छा।